एवरीवन नमस्ते वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल कलर्स ऑफ लाइव एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में आप लोग मेरे बारे में और ज़्यादा जानने वाले हैं बिकॉज आज का वीडियो है गेट टू नो मी पर्सनल की मैंने मैंने यहाँ पे वीडियोस अपलोड करते हुए 1.5 साल से ज़्यादा हो गया है, 2 साल ऑलमोस्ट हो गया है, तो कभी भी हमने पर्सनल Q&A नहीं किया था, बस TV रिलेटेड Q&A ही किया था। तो कल मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट में एक पोस्ट डाला था, उसमें आप लोगों ने कमेंट्स किए हैं, आप लोगों ने क्वेश्चंस भेजे हैं, तो उन सब का आंसर करूंगी मैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। हाई ऑल, माई नेम इज़ आरती। आई मेक व्लॉग्स एंड हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ इन दिस चैनल। मैं दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल से हूँ और अभी जो है बैंगलोर में रहती हूँ। तो मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन, अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कमेंट्स में सबसे पहले एक कमेंट आया है, उसको मैं पढ़ना चाहती हूँ, समथिंग पॉजिटिव, उसके बाद हम जो है क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो सैयदा ताज का कमेंट है, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू थैंक यू, योर वीडियोज़ आर रियली हेल्पफुल एंड मोटिवेट मी, यू इंस्पायर सो मेनी पीपल, रियली थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ मेकिंग कीप मेकिंग दिस टाइप ऑफ वीडियोज़, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम मैसूर। थैंक यू सो मच सैयदा, थैंक यू सो मच मेरी वीडियोज़ देखने के लिए। एंड जब भी कोई ऐसे अप्रिशिएट करता है तो बहुत 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 अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है रेहाना ने पूछा है, दुनिया में आपका सबसे बड़ा बेस्ट फ्रेंड एंड सबसे बड़ा गिफ्ट दोनों बताओ। दुनिया में आपका सबसे बड़ा बेस्ट फ्रेंड और सबसे बड़ा गिफ्ट दोनों बताओ। तो सबसे बड़े बेस्ट फ्रेंड की बात करते हैं पहले। तो जब हम स्कूल में थे तो हमारे बेस्ट फ्रेंड्स चेंज होते रहते थे। क्लास 5 में कोई और बेस्ट फ्रेंड हुआ, 6 में कोई और बेस्ट फ्रेंड हुआ, 7 में कोई और बेस्ट फ्रेंड हुआ, हमें न्यू फ्रेंड मिलता फिर हम बेस्ट फ्रेंड बनाते थे। तो 7th क्लास में मुझे कुछ फ्रेंड्स मिले थे, वो अब तक मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। बट एट द एज ऑफ 24-25 अगर मैं किसी को अपना बेस्ट फ्रेंड अभी मानती हूँ तो वो है मेरी माँ, ठुलो आमा, हम लोग नेपाली में ठुलो आमा बोलते हैं। तो वो मेरी बड़ी माँ है, मेरी मम्मी है, वो मेरा सब कुछ है और वो मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करती है और हर चीज़ मेरी लाइफ में जो भी चीज़ें होती है, प्रॉब्लम हो या फिर कोई पॉजिटिव चीज़ हो, मैं कुछ अचीव करूँ छोटी से छोटी चीज़, मैं हर चीज़ उनके साथ शेयर करती हूँ। और अगर कोई प्रॉब्लम में भी होती हूँ तो हर बार मुझे प्रॉब्लम से भी वही निकालती है और मेरी हर छोटी छोटी अचीवमेंट्स को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती है वो। और उनका और मेरा कनेक्शन बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। एंड येस, अगर मैं ज़्यादा बोलूँगी तो मैं इमोशनल हो जाऊँगी। तो येस, माई मदर इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। और दूसरा है सबसे बड़ा गिफ्ट, अगर मटेरियल वाले गिफ्ट्स में बात करें तो जो गिफ्ट मुझे मेरी मम्मी और मेरे हस्बैंड ने दिया है वो सब गिफ्ट्स मेरे लिए बड़े हैं। इवन अ स्मॉल चीज़ जो है वो भी मैं बहुत संभाल के रखती हूँ, बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स में बहुत ज़्यादा संभाल के रखती हूँ। बट अगर मैं ये सोचूं कि सबसे बड़ा गिफ्ट मेरी लाइफ में क्या है तो वो मटेरियल वाले गिफ्ट्स नहीं है, वो भी मेरी लाइफ में इंसान ही है। और मेरी लाइफ में 2 इंसान ऐसे हैं जो भगवान ने मुझे एज अ गिफ्ट दिया है और उनको मैं बहुत ज़्यादा, मतलब वो मेरी लाइफ में है, उसके लिए मैं भगवान से बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। सबसे पहले तो मेरे हस्बैंड मेरे लिए गॉड का वन ऑफ द बेस्ट गिफ्ट है। एंड दूसरी है ऑफकोर्स मेरी माँ। तो ये दोनों जो है मेरी लाइफ का सबसे बड़ा गिफ्ट है। ओके, अगला सवाल आशुतोष चौहान ने पूछा है, यू आर अ वेरी गुड कम्युनिकेटर, हाउ डिड यू लर्न ऑल ऑफ दिस। तो इनको लगता है कि मैं अच्छा कम्युनिकेट करती हूँ, आई एम नॉट श्योर। बट अगर ये पूछा है कि मैंने कहाँ से सीखा है, तो व्हेन आई वाज एट स्कूल मैं बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट थी, बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट थे, मैं किसी से बात नहीं करती थी और मैं स्पोर्ट्स में भी एक्टिव नहीं थी, किसी चीज़ में एक्टिव नहीं थी पढ़ाई के अलावा। और मैं डिबेट्स में जाती थी, क्विज में जाती थी, तो डिबेट्स में जाती थी, वहाँ पे मैं थोड़ा सा बोलती थी, बट इतना ज़्यादा मेरा किसी से कम्युनिकेशन नहीं होता था। व्हेन आई केम टू बैंगलोर इन 2019, जब मैं बैंगलोर में आई 2019 में, आई वॉज वर्किंग एट अ प्री स्कूल, तो वहाँ पे मैं प्री स्कूल में जॉब करती थी, तो उस टाइम शायद मेरा कम्युनिकेशन थोड़ा सा इम्प्रूव हो गया। और उसके बाद मैं यूट्यूब में करने लगी, तो धीरे धीरे मुझे, जब मैं यूट्यूब में वीडियोस बनाती हूँ तो हर बार मैं मिस्टेक करती हूँ और हर बार ही मेरा मिस्टेक होता है, बट उसी मिस्टेक से मैं सीखती हूँ, तो ऐसे ही है। और दूसरा क्वेश्चन इन्हीं का है, टेल अस अबाउट योर स्कूल लाइफ, स्कूल लाइफ के बारे में। तो ये स्कूल लाइफ वाली थोड़ी सी लंबी हो जाएगी आंसर, बिकॉज स्कूल लाइफ में बहुत सारी मेमोरीज़ है। मैंने अपनी स्टडीज़ की स्टार्टिंग की थी, मेरे विलेज में एक प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पे 5th स्टैंडर्ड तक मैं वहाँ पे पढ़ी थी, तो वहाँ की भी बहुत अच्छी मेमोरीज़ है। वो प्राइमरी स्कूल गवर्नमेंट स्कूल था, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा मेमोरीज तो मेरी मिड डे मील की है। मिड डे मील बहुत अच्छा मिलता था वहाँ पे, टीचर्स भी बहुत अच्छे थे, पढ़ाई बहुत अच्छी थी। वेस्ट बंगाल में आई डोंट नो अबाउट द अदर प्लेसेस, बट दार्जिलिंग हिल्स में जो है गवर्नमेंट स्कूल्स में भी बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, तो
वहाँ पे बहुत अच्छा मेरा मेमोरीज है। और हम लोगों को थर्ड क्लास के ऊपर वाले बच्चों को एवरी ईयर हम लोगों को टूर पे लेके जाते थे। तो एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद हम लोग घूमने जाते थे, तो घूमने हम लोग बहुत गए, बहुत अच्छी मेमोरीज है। उसके बाद सेकेंड मैंने स्कूल चेंज किया था, वहाँ से मैं फिर 6th से 10th तक अलग स्कूल में पढ़ी हूँ। तो हमने स्कूल चेंज किया, और जब मैंने स्कूल चेंज किया तो अगेन 10th क्लास तक भी मैं गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ी। तो वहाँ पे भी बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट था, टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे, जो है मुझे फ्रेंड्स भी अच्छे मिले। मुझे 7th क्लास में कुछ फ्रेंड्स मिले थे, प्रेरणा, लाजुम, सुनीता, अगर वो लोग वीडियोस देख रहे तो इनके साथ मेरी बहुत अच्छी बॉन्ड हो गई थी, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई। फिर हमारी 7th क्लास से अब तक हमारी फ्रेंडशिप कंटिन्यू है, अभी 10 साल से ज़्यादा हो गए उस बात को। तो बहुत ही अच्छी मेमोरीज थी। और स्कूल में मैं कैसी बच्ची थी, स्कूल में मैं वो बच्ची थी जो सबसे पहले फ्रंट बेंच में बैठती है, चश्मा लगाती है, हमेशा ध्यान पढ़ाई में ही रहता है, ऐसी थी मैं। और टीचर्स भी स्कूल में ऐसा हम देखते हैं कि जो बच्चे थोड़े से पढ़ाई में अच्छे होते हैं, टीचर्स भी उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो मुझे सबसे प्यार मिला था, और कभी भी मेरी कोई भी कंप्लेन नहीं आई थी, कभी भी कुछ पनिशमेंट कुछ भी नहीं मिला था। तो स्कूल में अच्छा था सब कुछ। स्कूल के टाइम में मैं ऐसी ही थी, फ्रंट बेंच में बैठी थी, चश्मा लगाती थी, हमेशा पढ़ाई में ही ध्यान होता था। और मेरे कुछ 4-5 फ्रेंड्स थे, बाकी फ्रेंड्स भी नहीं थे। और मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट थी, अगर कोई कुछ पूछता है तभी मैं जवाब देती थी, नहीं तो मैं बात नहीं करती थी। तो पीपल जो क्लासमेट्स है वो ये भी सोचते थे कि मैं एरोगेंट हूँ, बट मैं एरोगेंट नहीं थी, मैं बस इंट्रोवर्ट थी, थोड़ा कम बोलती थी। फिर 10th के बाद मैंने 11th में दूसरा स्कूल ज्वाइन किया, गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कैलिंगपोंग में। तो वहाँ पे जब ज्वाइन किया ना, तो मेरे सारे दोस्त छूट गए थे, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स अलग अलग स्कूल गए। मेरे जो 5 फ्रेंड्स का ग्रुप था, उनमें से सिर्फ हम दोनों ने वो स्कूल ज्वाइन किया था, वो भी मेरी जो दूसरी फ्रेंड है वो साइंस में थी और मैं कॉमर्स में थी। तो जब मेरा एडमिशन हुआ, 2-3 दिन मैं स्कूल में भी रोती थी, स्कूल में भी मैं ब्रेक, जो लंच ब्रेक होता है, शॉर्ट ब्रेक्स होता है, वहाँ पर मैं ना अकेले रोती थी, बिकॉज मैं इतनी इंट्रोवर्ट थी कि मैं किसी को फ्रेंड भी नहीं बना पा रही थी। कोई मेरा फ्रेंड, मतलब किसी के साथ मेरा बॉन्ड नहीं बन रहा था, कनेक्शन नहीं बन रहा था, अकेले अकेले बैठती थी। तो 2-3 दिन मैं रो रही थी। फिर वहाँ पे भी मेरे फ्रेंड्स बन गए हैं, और वहाँ पे फ्रेंड्स बने, और वहाँ पे भी बहुत अच्छी मेमोरी थी। हम लोग जो स्कूल में लंच लेके जाते थे, वो लंच ना हम लोग लंच टाइम से पहले ही ख़त्म कर देते थे। अगर लंच टाइम से पहले कोई भी ऑफ पीरियड होता है तो हम लोग लंच ख़त्म कर देते थे, और वो हमारा जो टिफ़िन है वो लेके हम लोग 12 बजे को, वहाँ पे क्लास 8 तक के बच्चों को मिलता था मिड डे मील, तो हम लोग वो 8th वाले बच्चों की लाइन में लग जाते थे मिड डे मील के लिए। तो बहुत ही अच्छी मेमोरीज है मेरी स्कूल की। उसके बाद अनदर क्वेश्चन है, आप सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है? तो सबसे ज़्यादा डर मुझे, पहले तो ऑफकोर्स मुझे मेरी माँ से ही डर लगता था, क्योंकि वो जितनी प्यारी है उतनी ही स्ट्रिक्ट भी है। बट अभी मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है अंधेरे से मुझे, और मुझे स्नेक्स से भी डर लगता है। मुझे सांप जो है, स्नेक्स, उनसे बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि मेरे बचपन में बहुत ज़्यादा इंसिडेंट्स हुए थे स्नेक्स के साथ में। मतलब स्नेक्स को मैंने देखा, देखा तो दूर की बात है, एक बार तो बहुत ही हादसा ही हो गया था। तो मुझे बहुत ज़्यादा स्नेक से डर लगता है, क्योंकि हमारा गांव में घर है, और गांव में जो घर होते हैं वहाँ पे अक्सर स्नेक्स घुस भी जाते हैं। तो बचपन में हमारे घर में स्नेक्स घुसा था, वो भी बेड के नीचे तक गया था। और हम लोग जब स्कूल से आते थे ना, तो स्कूल से आके फिर गाड़ी से उतर के भी हमारे घर पे जाने के लिए गांव में जो रास्ता है वहाँ पे हमें बहुत चलना पड़ता है, 15 मिनट चलना पड़ता है। तो वो 15 मिनट के रास्ते में गर्मियों के सीज़न में निकलता है स्नेक बाहर, सर्दियों के सीज़न में स्नेक्स नहीं मिलते हैं ज़्यादा, गर्मियों के सीज़न में मिलता है। तो वो 15 मिनट के रास्ते जो थे उसमें बहुत देख देख के चलना पड़ता था कि रास्ते में स्नेक तो नहीं है, क्योंकि बहुत बार स्नेक्स मिले भी थे और हम लोग थोड़े से रास्ते टेढ़े करके निकल गए थे। और दूसरा, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है, डार्कनेस से बहुत ज़्यादा डर लगता है। मेरे हस्बैंड रात को 10 बजे आते हैं, और कभी कभी उनके आने से पहले जब लाइट चली जाती है, लाइट नहीं होती है, तो मैं पूरे घर में पहले तो कैंडल जलाती हूँ डरते डरते। उसके बाद जितने भी बज गए हो मैं मम्मी को फ़ोन करती हूँ, और मेरे हस्बैंड आने तक मैं मम्मी से ही बात करती हूँ, या फिर तो लाइट आ जाए फिर हस्बैंड आ जाए तब तक मैं मम्मी से फ़ोन पर बात करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है डार्कनेस से। रात को मैं अंधेरे में सो भी नहीं सकती, अगर मेरे साथ कोई सोया हुआ है तो ठीक है, अकेले में अंधेरे में नहीं सो सकती हूँ। तो डार्कनेस से और स्नेक से, ये दोनों चीजें हैं जिनसे मुझे डर लगता है। और दूसरा क्वेश्चन है, ओके, अनदर क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली? तो मेरी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं वो तो मुझे गिननी पड़ेगी, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत बड़ी है।
तो मेरी जॉइंट फैमिली है, जॉइंट फैमिली थी, अभी 4 साल पहले तक हम लोग ही जॉइंट फैमिली थी, जिसमें मेरे दादाजी थे, उनकी डेथ हो गई है, मेरी मम्मी, पापा, मामा, मामी, मेरे मामा के 3 डॉटर्स हैं, मेरी मासी, मौसा जी, मौसा जी की भी डेथ हो गई है, और मासी के 2 सन्स हैं। तो हमारी इतनी बड़ी फैमिली है, फैमिली थी, अभी हम लोग अलग हो गए हैं। तो अभी हमारे घर में जो है, मैं, मेरे पापा और मम्मी ही है, अभी तो मैं भी नहीं हूँ, पापा और मम्मी ही है, और मेरे कजन्स और ये सब जो है अभी अलग अलग रहते हैं। तो मेरी फर्स्ट फैमिली जो है, मेरी फर्स्ट फैमिली में अभी जो है मेरे मम्मी पापा दोनों ही हैं और मैं हूँ। मेरी सेकेंड फैमिली है सिक्किम में, जहाँ पे अगेन मेरे मम्मी पापा और मेरे सिबलिंग्स हैं। तो ये फर्स्ट फैमिली, सेकेंड फैमिली, दो दो फैमिलीज, ये कैसे है ये आप लोगों को थोड़े से बाद में जब राइट टाइम आएगा तब बताऊंगी। और मेरी जो थर्ड फैमिली है, जो मेरी हस्बैंड की साइड की फैमिली है, वहाँ पे मेरी मदर इन लॉ है, मेरे फादर इन लॉ बहुत पहले एक्सपायर्ड हो गए थे, और मेरे 3 ब्रदर इन लॉज है, तो मेरे हस्बैंड और मैं। तो मेरे मदर इन लॉ, मेरी 3 ब्रदर इन लॉज हैं, मेरे हस्बैंड और मैं, मेरे सिस्टर इन लॉ नहीं है। तो मेरी फैमिली में इतने ही है, और मेरी जो सिस्टर है, मेरी एल्डर सिस्टर है, उनकी शादी हो गई है, तो एल्डर सिस्टर और उनके हस्बैंड वो अलग फैमिली हो गई है अभी। तो इन शॉर्ट मेरी फैमिली में मेरी मम्मी पापा और मैं ही है। बट जब भी फैमिली की बात आती है, अगर मैं मामा, मामी, मासी, कजिन्स, इन सब का नाम ना लूँ ना, तो बहुत अधूरा लगता है, क्योंकि बहुत टाइम हम लोग साथ रहे हैं, जॉइंट फैमिली में रहे हैं। तो जब भी फैमिली की बात आती है, तो ये लोग सब लोग इंक्लूड होके 15-16 लोग हो जाते हैं।